तो उनका कहना था कि घर आपका पक्का है, तो आपका घर ईंटों का बना हुआ है और ये घर तभी बन सकता है जब मिट्टी का आप बनाएंगे। मोदी के खोखले दावों की हवा निकाल रहे इस शख्स का नाम है पवन कुमार। पवन कुमार का हाल ही में यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन के तुरंत बाद एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पवन जो बता रहे हैं उसे सुनकर देश सन्न रह गया। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं एक काफ़ी अवेयर सिटीजन मुझे होना चाहिए, जो कि मैंने अपने एंड पर कोशिश भी की थी कि इस योजना के तहत मैं अप्लाई करूं। तो मैंने इस योजना के तहत एप्लीकेशन किया था, तो जो वहां के लोकल ऑफिसर्स हैं जो ब्लॉक लेवल से आते हैं वो विजिट करने आए भी थे, तो उनका कहना था कि घर आपका पक्का है, तो आपका घर ईंटों का बना हुआ है और ये घर तभी बन सकता है जब मिट्टी का आप बनाएंगे। मतलब इवन ये इतनी अपने आप में फनी इंसिडेंट था, उनका कहना था कि आप अपनी दीवारें गिरा दीजिए और सिर्फ ये एक पीछे वाली वो मिट्टी का दीवार बना के उसके ऊपर ये रख लीजिए और तब हम आपको ये पास कर देंगे, ये उनका कहना था, जो कि अपने आप में बहुत फ़नी था। मतलब एक ये मैं इसे कॉमेडी कहूँ या ट्रेजडी कहूँ, मैं क्या ही इसको कहूँ। पवन प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत बता रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि आपका घर ईंट का बना हुआ है और आवास योजना का लाभ तब मिलेगा जब मिट्टी का घर हो। अधिकारियों ने ईंट की दीवार गिराने तक को कह दिया। उनका कहना था कि आप अपनी दीवारें गिरा दीजिए और सिर्फ ये एक पीछे वाली वो मिट्टी का दीवार बना के उसके ऊपर ये रख लीजिए। ये पवन के घर का वीडियो है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घर में छत नहीं है, तिरपाल पड़ा है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर नहीं मिल सका। मैं इसे कॉमेडी कहूँ या ट्रेजडी कहूँ, मैं क्या ही इसको कहूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान योजना हो, आयुष्मान योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना, मोदी जी हर योजना में विफल रहे हैं, फेल साबित हुए हैं। हर योजना में मंत्री से लेकर अधिकारियों ने जमकर घोटाला किया है, घूस खाया है।